दोस्तों, बोनसाई की दुनिया के दोस्तों, ये है इंडियन एलम। हालांकि इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं और हमारे YouTube चैनल पे इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक परफेक्ट प्लांट है कि जिसको अब हम सिरामिक पॉट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये अब ये ट्रेनिंग पॉट में तैयार होके अब एक ट्री जैसा लुक नज़र आ रहा है। गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लीफ बर्निंग हो चुके हैं, तो वही प्रोसेस हमारी रहेगी। सबसे पहले हम इसको डिफोलिएट करेंगे। डिफोलिएट करने के लिए आपको सीज़र लेके उसके पत्ते ऐसे रिमूव करने हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है और गर्मियों में भी कभी कभार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक दिन पानी देना छूट गया है, फिर भी ऐसे प्लांट ने सर्वाइव किया है जबकि हमारे यहाँ 45 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो दोस्तों, इतने टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए बॉन्साई में हमेशा इस टाइप के प्लांट ही पसंद किए जाते हैं। अगर मान लो कोई विदेश से मैं प्लांट ले आता हूँ और उसको मैं इंडिया में ला के सर्वाइव करने की कोशिश करूँगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए बॉन्साई में आपके वहाँ जो लोकल प्लांट होते हैं वो लोकल प्लांट को ही आप बॉन्साई के लिए सिलेक्ट करें, ताकि यानी आप मान लो जब हाईवे पे जाते हो या रोड पे निकलते हो या खेत में या जंगल में आप घूमते हो तो वहाँ पे जो भी पेड़ है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो इतनी गर्मी में भी वो सर्वाइव करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करते हैं, तो वो हिसाब से आप अपने प्लांट सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये प्लांट जो कि जब इसको ग्रो करने के लिए रखा था तब इसकी हाइट इतनी थी, उसके बाद इसका टैपरिंग बनते 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 यहाँ तक ये आ चुका है और इसकी ब्रांचिस, यानी कि ये हमारा फ्रंट है तो फ्रंट के हिसाब से ये ब्रांचिस यहाँ है, ब्रांचिस यहाँ है और ये ब्रांचिस इसकी सब ब्रांचिस और सब ब्रांचेस बनते बनते अब ये यहाँ पे, यानी कि ये परफेक्ट अब आ चुका है। उसमें ये ब्रांच हमें
डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है, इसकी कटिंग ग्रो करने का ट्राई मत करें, मैं कर चुका हूँ, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो अभी ये जो ब्रांचें लंबी लंबी हो चुकी है, जस्ट उसको हमें शॉर्ट करना है। दोस्तों अभी इस पे ना तो हमें वायरिंग करना है, क्योंकि वायरिंग आप देख रहे हो इतना खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है, और ये वायर अभी हम रखेंगे क्योंकि अभी तक इसका वायर बाइट नहीं हुआ है। तो अभी इसको एक महीने बाद हम रिमूव करेंगे इस वायर को। अभी फ़िलहाल इसका लुक काफ़ी जानदार है, और अभी ग्रोइंग का सीज़न है तो नए पत्ते भी एक महीने में आ जाएंगे। तो अगर आपको एक महीने बाद इसका अपडेट देखना है तो आपको हमारे इस वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम आपको एक महीने बाद वीडियो बना के दिखाएंगे, नहीं तो हम अकेले अकेले इसको कटिंग प्रूनिंग करके रख देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये ट्री कैसा लगा, आपको हमारा ये बोनसाई का जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगा, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त मास्कमैन बोनसाई, अभी अलविदा लेता हूं, बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो